केंद्र सरकार ने दिल्ली के संविधान को संशोधित करके केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के अधिकारों को बढ़ा दिया है। इस बात के सामने आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी इससे बेहद नाराज है और केंद्र पर चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करने का आरोप लगा रही है। वहीं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा है कि केंद्र सरकार ने गोपनीय तरीके से दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और मंत्रियों के अधिकार छीनकर एलजी को देने के लिए जीएनसीटीडी एक्ट में बदलाव किया है। अब दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी। दिल्ली की सरकार को बनाने का जो कानून है, जिसे जीएनसीटीडी एक्ट कहते हैं, उसमें बदलाव करके केंद्र सरकार अब एलजी को इतनी पावर देने जा रही है कि वो दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम रोक सकें। दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अब निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी, वो एलजी के पास होगी। एलजी का मतलब है केंद्र सरकार के पास होगी, केंद्र की बीजेपी की सरकार के पास में होगी। स्टेट गवर्नमेंट जिसको जनता चुनती है, दिल्ली की जनता चुनती है, उसके पास में अब डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी। और बहुत ही गोपनीय तरीके से, बहुत चुपचाप खुफिया तरीके से कल इन्होंने ये कैबिनेट में कानून लेके आए और उसको पास किया। केंद्र सरकार का जो ये कदम है वो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी गई सरकार की पावर कम करने का जो कदम है, ये लोकतंत्र की आत्मा के खिलाफ तो है ही है, ये संविधान के भी खिलाफ है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि साजिश के तहत दिल्ली की जनता की मर्जी के खिलाफ पिछले दरवाजे से बीजेपी दिल्ली में कब्जा करना चाहती है, खुफिया तरीके से बदलाव हुए हैं। दिल्ली की जनता ने 3 चुनावों में कहा है कि हमको भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस नहीं चाहिए दिल्ली में। अब ये पिछले दरवाजे से आके दिल्ली के जनता की गवर्नेंस को चलाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ जाके चलाना चाहते हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि दिल्ली की सरकार ने जिस तरह के जनता के पक्ष के फैसले लिए हैं, जनता के हित में जो शानदार काम किए हैं, उन सब के बारे में फैसला लेने का अधिकार फिर बीजेपी को मिल रहा है पिछले दरवाजे से। दिल्ली की चुनी हुई सरकार कहेगी हमको स्कूल बनाने, सरकारी स्कूल अच्छे करने, भारतीय जनता पार्टी के तो एजेंडे में ही नहीं है स्कूल। दरअसल मोदी कैबिनेट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एक्ट में कुछ बदलाव किया गया है। इस फैसले के तहत विधानसभा से अलग भी कुछ फैसलों पर उपराज्यपाल का अधिकार होगा और राज्य सरकार को उनकी मंजूरी लेनी होगी। ताजा संशोधन के मुताबिक दिल्ली सरकार को अब विधेयिका से जुड़े फैसलों को उपराज्यपाल के पास 15 दिन पहले और प्रशासनिक फैसलों को करीब 1 हफ्ते पहले मंजूरी के लिए भेजना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर आइंस।